News 18, India. और बिहार की सियासी हलचल से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बिहार की राजनीति में पटना से आ रहे बड़े बदलावों के संकेत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक बैठक चली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, विजय सिन्हा और रेणु देवी समेत कई नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस बैठक में बिहार के प्रदेश संगठन महासचिव भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहे हैं। अमित शाह के आवास से पहले सम्राट चौधरी, भीखू भाई दलसानिया, सुशील कुमार मोदी और रेणु देवी ने बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर पहुंचकर बैठक की थी। उसके बाद सभी नेता सीधे अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे। अब एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां बिहार की राजनीति में पटना से आ रहे बड़े बदलावों के संकेत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक बैठक चली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल पर सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है और इसीलिए नीतीश के सम्मान पर बीजेपी नेतृत्व अब चर्चा कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बुधवार देर रात भी इस मुद्दे पर पीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि बीजेपी में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो सीएम पद बीजेपी अपने पास रख सकती है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के संपर्क में है और उन्हें बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर अपडेट इस वक्त दी जा रही है। बिहार में सरकार गिरने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसा तब हुआ जब अचानक नीतीश कुमार और लालू यादव के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं, इसीलिए राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। ऐसा तब हुआ जब राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के सीनियर नेताओं की बैठक चल रही थी। हालांकि सियासी उठापटक से जुड़ी अटकलों की वजह आरजेडी नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई जेडीयू नेताओं की बैठक थी। नीतीश कुमार के घर पर हुई बैठक में उनके करीबी और जेडीयू के सीनियर नेता मौजूद रहे। अंदर बैठक चलती रही और बाहर अटकलों का बाजार गर्म होता रहा। आशंका जताई जाने लगी कि आरजेडी और कांग्रेस से नाराज चल रहे नीतीश बीजेपी का थामन थाम सकते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं की बैठक खत्म होने तक अटकलों पर विराम लग गया। दावा किया गया कि बैठक तो सिर्फ 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी। कल 26 जनवरी है, उसी के सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग आए थे कहने। महागठबंधन से नीतीश की नाराजगी की चर्चा पिछले कई दिन से जोरों पर है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट कर दी और इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ऐसे समय में पोस्ट की जब बिहार में विपक्षी गठबंधन के टूटने की खबर उड़ी। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा था। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस भी हो गई और इसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में बैठक से चले गए। कैबिनेट बैठक खत्म होते ही पत्रकारों ने मंत्रियों की गाड़ी को रोककर सवाल पूछे, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि नीतीश ने बैठक बिना किसी एजेंडे के बुलाई। बिहार के मंत्री इन सवालों को मुस्कुराकर टाल गए। आज एक भी प्रस्ताव नहीं था क्या? सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक, सरकार है अपनी जगह पर, ऑल इज वेल। इस बैठक से नीतीश पत्रकारों से बिना बात किए चले गए, लेकिन सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नीतीश के एक अधिकारी और तेजस्वी के बीच तीखी बहस हुई, क्योंकि तेजस्वी के विभाग के एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और इसीलिए नीतीश बिना कोई बयान दिए सीधा निकल गए। और बिहार में मची सियासी हलचल के बीच बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इसी बात से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो समस्तीपुर से वापस पटना पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना मुंबई दौरा भी इस बीच रद्द कर दिया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में सियासी हलचल बिहार में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट से जेडीयू नाराज हो गई। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक तीन पोस्ट की थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में जैसी भाषा इस्तेमाल की उसके सियासी मायने निकाले गए।
क्योंकि इन तीनों पोस्ट में एक में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट आते ही खबर आई कि जेडीयू नाराज है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन रोहिणी आचार्य की पोस्ट को आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते से जोड़कर देखा जाने लगा। और थोड़ी देर बाद रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इससे संकेत मिले कि बिहार में विपक्षी गठबंधन खींचतान बढ़ गई। सूत्रों ने बताया ये सब सीट शेयरिंग की वजह से हुआ, क्योंकि खुद जेडीयू ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अपनी चिंता जताई। ये हमारी चिंताएं हैं, सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। लेकिन आरजेडी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती दिखी। इंडिया गठबंधन का सब जो भी एकजुटता है वो सब ठीक ठाक है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। और अब इधर एक और बड़ी खबर पटना से ही जुड़ी हुई मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार आज शाम राजभवन जाने वाले हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम को सीएम नीतीश राजभवन में आयोजित हाई टी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पहले ही सियासी भूचाल बिहार में आया हुआ है। अब आज शाम राजभवन जाने की खबर सीएम नीतीश कुमार की मिल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जानकारी ये है कि हाई टी का वहां पर आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार आज शाम को वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या बिहार की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलता है इन सब के बीच में जब वो वहां पर पहुंचेंगे, तो इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। खबर आई कि नीतीश कुमार बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। राहुल गांधी बिहार में 29 और 30 जनवरी को यात्रा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसका न्योता लेकर कांग्रेस विधायक शकील खान मुख्यमंत्री आवास गए थे, लेकिन नीतीश ने किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला दिया। और बिहार के सीमांचल इलाके में होने वाली राहुल की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। बिहार के सीमांचल इलाके में अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कटिहार और पूर्णिया में जीत हासिल की थी। अररिया बीजेपी और किशनगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, और माना जा रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा बंगाल से होकर बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचेगी। बिहार में एंट्री से पहले राहुल ने विपक्षी गठबंधन के एकजुट होने का दावा भी कर डाला। इंडिया फॉर्मेशन, एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़े थे, और बिहार की 40 में 17 सीटें बीजेपी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी, और कांग्रेस के खाते में केवल एक सीट आई थी।